हमारे नौजवान सारी रात होटलों में गुजारते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखे पीते हैं और बहुत सारे ड्रग्स यहाँ पे मलकपेट में अवेलेबल है। पुराने शहर के हालात का जायज़ा लें, हर दो दिन में एक मर्डर होता है, हर चार दिन में एक मर्डर होता है, एक दिन में दो मर्डर होते हैं, एक दिन में तीन मर्डर होते हैं, हद ये हो गई कि एक दिन में पांच पांच मर्डर भी हुए, ये रिकॉर्ड है। और बातें केसीआर और ये हमारा एक यहाँ दूध वाले डुड्डी वाले साहब, क्या नाम है उनका, महमूद अली, तुमको मैं इमाम जामिन मिनिस्टर बोला था, बड़े नाराज़ हो गए थे। एक दो औरतें उनके पास है, एक सिलाई मशीन है, जो सारा दिन इमाम जामिन सीते रहते, सुबह उठते 10-15 इमाम जामिन जेब में रख कर निकल जाते हैं, केसीआर के घर पे गए, केसीआर निकल रहे फौरी घुसते हाथ चूमते इमाम जामिन बंदे थे, केटीआर दिखा केटीआर को, कविता दिखी कविता को, पूरे घर को इमाम जामिन बनते, पूरे पार्टी में इमाम जामिन बनते। क्या करें महमूद अली साहब, मुसलमानों का काम क्या दिए आवाम को सहूलत। आप 10 साल आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे, एक जवान पुलिस के कांस्टेबल को आप ट्रांसफर नहीं करा सकते। आए एक दिन डबीरपुरे में पहुंचे, आज से 6 साल पहले डबीरपुरा स्टेशन के नीचे एक दवाखाना है जो टीवी सेंटर था, काफी बड़ी जमीन है उसकी। आए मैं बैठ के तकरीर सुन रहा था, कहने लगे मैं डिप्टी सीएम फंड से इस दवाखाने को 100 बेड का हॉस्पिटल बनाऊंगा। कितने बेड का? 100 बेड का हॉस्पिटल डबीरपुरे का। मैं भी खुश हुआ, अच्छा दिखा मुझे कि चलो महमूद अली अपने महल्ले के हैं, दूध बेचते थे, गोबर उठाते थे, आज मिनिस्टर बन गए, चलो अपने कन्ने एक दवाखाना बनाएंगे 100 बेड का। चंचलगुड़े वालों को, डबीरपुरे वालों को, फरतनगर वालों को, अतराफ के आवाम को, गरीब आवाम को सहूलत मिलेगी। आज 6 साल से ज्यादा हो गया, खाली फेंक दे के चले गए, जैसा केसीआर फेंकता वैसा इन्हें भी फेंकर निकला, फेंका चले गया। फिर एक दिन आया यहाँ पे, बोला ये चंचलगुड़ा जेल को मैं शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ पे बहुत बड़े तालीमी इदारे बनाएंगे हम जेल की, के कितने एकड़ जमीन है उसके ऊपर, और उसमें एमआईएम वाले भी थे, उन लोगों ने भी कहा हम भी बनाएंगे। आज इतने साल हो गए बनाया कुछ, जेल जैसी थी जेल वैसे ही है, मलकपेट रेस ग्राउंड, बोले रेस ग्राउंड को हुकूमत एक्वायर करेगी, यहाँ से ये जुगे खाना खत्म करेगी, और रेस ग्राउंड की जो जमीन है उसके ऊपर केसीआर हुकूमत बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कॉलेजेस और तालीमी इदारे, आईटी, ये तमाम चीज़ें रेस ग्राउंड पे कायम करेगी। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, चलो हमारी बस्ती में डेवलपमेंट होगा, जेल की प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट होगा, जेल को चारलापल्ली मुंतकिल कर दिया जाएगा और रेस कोर्स को ख़त्म हो जाएगा, रेस की लानत ख़त्म हो जाएगी और रेस ग्राउंड की इतनी बड़ी ज़मीन पे ये सारी चीज़ें बनेगी। लेकिन ऐसा कोई वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। केसीआर ने एक और वादा किया, मैं 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन दूंगा। अब 10 साल हो गए, जब पूछते हैं तो कहता है बैठो बैठो तुम्हारे बाप को भी बोलता हूँ, अरे अब मुसलमान तेरे खिलाफ वोट दे के बोलेंगा बैठ बैठ, हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं बैठ, हम मुसलमान वोट कांग्रेस को देगा। 6 मस्जिदों को 8 मस्जिदों को तूने शहीद किया, जिस दिन तू मस्जिदें तोड़ते जा रहा था हम देख रहे थे क्या ये आरएसएस की हुकूमत है, या विश्व हिंदू परिषद की हुकूमत है, क्या योगी की हुकूमत है, या कौन सी फिरका परस्त हुकूमत है जो 8 मस्जिदों को शहीद की। तो पता चला ये आरएसएस की छड्डी पहना हुआ ये केसीआर है जो हमारे मसाजिद को शहीद किया, 2 आशुरखानों को शहीद किया। जब हमने प्रोटेस्ट किया, मैं 3 बार जेल को गया सेक्रेटरी की मसाजिद के लिए, मैं यहाँ के एमएलए अहमद बुलाला, क्या है उसका नाम, बुलाला अहमद बुलाला, तो ये बुलाला है, समझिए ना,
तो ये बुलाला बोला कि यहाँ पे इस हलके के अंदर रेस ग्राउंड के बुकियों से ये लोग लाखों रुपए मामूल लेते हैं। रेस ग्राउंड के बुकियों से लाखों रुपए का टर्नओवर है, इसीलिए रेस ग्राउंड यहाँ से नहीं हट सकता, पैसा लेते हैं, मामूल है यहाँ पे अहमद बलाला का। हाँ अकबर भाई, बड़ा बहुत बड़े बड़े धंधे हैं यहाँ पे अकबर साहब इस हलके में, हमारे को मालूम है सब, पूरी तफसील में रेस ग्राउंड के ऊपर हद तो ये हो गई। एक दिन मुखिया भी है, घोड़े भी है, सब है, कौन से घोड़े को जिताना है, कौन से गधे को जिताना है, रेस ग्राउंड में ये लोग तय करते हैं, मीटिंग के ऊपर पैसे लेते हैं। तो ये लोग रेस ग्राउंड को हटेंगे यहाँ से। अच्छा, जिस दिन सेक्रेटरीट की मस्जिद को शहीद किया, क्या अहमद बलाला आप या असदुद्दीन नबी से निकल के प्रोटेस्ट करें? बाबरी मस्जिद के लिए 27 साल बाबरी मस्जिद का मातम करते रहे, यहाँ बैठकर पुकारा करते रहे बाबरी मस्जिद के ऊपर। हैदराबाद में मस्जिदें शहीद हुई, क्या निकल के असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी वो मस्जिदों को देखने के लिए गए? बोलो, जवाब दो मुझे। कोई टीवी में अखबार में कभी आप लोग देखे ये लोग निकल के सेक्रेटरीट की मस्जिद को देखने के लिए गए? मुस्ताफ मलिक साहब का मैं खैर मकदम करता हूँ, सेक्रेटरीट की मस्जिद को देखने के लिए नहीं गए। बहरहाल जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ, हम मुस्ताफ मलिक साहब वगैरह ने मिलियन मार्च का ऐलान किया, आप लोगों को याद होगा 1 मिलियन मार्च हम लोगों ने निकाला, प्रोटेस्ट किया। उसके बाद कई केसेस हमारे ऊपर ये असदुद्दीन अवैसी ने दलवा दिए। फिर मैंने इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाया, जो कांग्रेस के एमपी हैं, जब वो एमपी नहीं थे, खुद ही खुद उपचार ग्राउंड में बहुत इंतजा जी प्रोग्राम किया। तीनों को असदुद्दीन अवैसी ने केस में बुक करवाया, यानी ये अगर कोई एहतजाज करते हैं तो ठीक है, लेकिन हम करते हैं तो इजाजत नहीं है। तो सीए के अंदर भी हमने वो केस हमारे पे चल रहा है, कई केसेस मिलियन मार्च के हमारे ऊपर चल रहे हैं। तो ये केसीआर को पहुंचानो, मुसलमानों ये झूठा है, 12% का धोखा दिया मुसलमानों को, माइनॉरिटी लोन 10 साल में 1 रुपया माइनॉरिटी लोन नहीं दिया। हद तो ये है कि ये पहला चीफ मिनिस्टर है जो पुराने शहर का दौरा नहीं किया, नए पुल के अंदर नहीं आया। राजा शेखर रेड्डी आए, तेलुगुदेशम चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू कई मरतबा आए, हर चीफ मिनिस्टर पुराने शहर का दौरा किया, स्पॉट के ऊपर बजट को सैंक्शन किया, लेकिन ये पहला फिरका परस्त चीफ मिनिस्टर है जो नहीं चाहता कि मुसलमानों को कुछ दूं, और वो अपने शहर का दौरा नहीं किया। अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, तुम एक सियासी ताकत की बात करते हो, कहते हो हर चीफ मिनिस्टर हमारी चौखट पे आता है, लेकिन केसीआर 10 साल में तुम्हारी चौखट पे नहीं आया। तुम और तुम्हारा भाई दोनों 10 साल जाकर केसीआर की चौखट पे अपना माथा टेकते रहे, मगर केसीआर ना दारू सलाम आया ना पुराने शहर में आया। खाली यहाँ बड़ी बड़ी बातें करना, वोट लेना, राह फरार अख्तियार करना। कांग्रेस आज जो आपको देने का वादा कर रही है, महीने को 15,000 रुपए आपको फायदा होगा मुख्तलिफ स्कीमात के तहत, और ये कांग्रेस आज हम जैसे लोग निकल के स्टेज पर खड़े हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सलीम भाई कांग्रेस की ताईद क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, क्यों कांग्रेस के लिए आके ताईद कर रहे हैं? इसलिए ये कांग्रेस एक नई कांग्रेस है, ये कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे तालीम याफ्ता ये नौजवान आए हैं, इनकी कांग्रेस है ये, इनके लिए हम निकल के आए हैं और इनका साथ दे रहे हैं। मोदी हुकूमत को भगाने के लिए 2024 में यहां से ये केसीआर जो मोदी का राइट हैंड है, हमारी आवाज़
हेलो आवाज नहीं आ रही तो थालियां नहीं बजा रहे थे। मैं भी परेशान हूँ, क्या बात है? मैं कोई जंगल में तकरीर कर रहा हूँ, सलीम भाई की तकरीर हो रही और आवाज नहीं। थोड़ा जोर से आवाज निकालो, बुलाला बुलाला। अब इसको भगा दो यहाँ से, बाला जा बोलो। बुला लिए थे ना, 15 साल बिठा लिए, अब ये बला को वापिस भिजा दो। बला जा, इलेक्शन के दिन 30 तारीख के दिन वोट डालो, बोलते जाओ बला जा, बला चली जाती है। अब असदुद्दीन अवैसी तकरीर में बोल रहे हैं, 20 तारीख के दिन आप लोग अहमद बलाला को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। 20 तारीख के दिन, 20 तकरीर करके बोले, उसके अंदर वीडियो में है, सुनो, 20 तो 20 तारीख के दिन आप लोग असदुद्दीन अवैसी की बात को रखना, बुलाला को जाके 20 के दिन वोट दे दो, 30 तारीख के दिन शेख अकबर को वोट दे। समझ गया मैथमेटिक्स? समझ गया ना? अरे आप ही बोले ना साहब 20 को दियो, हम जाके दे दिए 20 के दिन, 30 को इनको दे दिए। ये एक शरीफ इंसान है, पढ़े लिखे हैं, बिजनेसमैन है, और सबसे बड़ी चीज सूद का कारोबार नहीं है इनको। समझ गया ना? नहीं बोलता इशारों विचारों में। 20-20 चल रहा है, ये लंबी तकरीर नहीं है। सूद का कारोबार नहीं है, ना दूध का कारोबार है पानी मिलाने का। अरे महमूद अली चमचागिरी की भी हद होती रहे। क्या बोल रहा? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत के जैसी हमारे केसीआर साहब की हुकूमत है। चप्पल लेके मारना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कितना जगह अस्तगफार पढ़ो। यानी एक ओहदा मिला, हम मुश्ताक मलिक साहब फसील बोलते हो, एक ओहदा मिला तो यहाँ तक गिर गया पैरों में के हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला की हुकूमत को ये 90 ml पॉकेट से मिला रहा। अब असदुद्दीन अवैसी बोल रहे हैं, ये मेरा नट्टा मामू है, नट्टा मामू है, नट्टे मामू को वोट दो। कैसा मामू है, कैसा खानदान है ये? इन्हें 6 बजते ही शाम होते ही हल्लू हल्लू मारता, कुल्लू कुल्लू, 90 ml 6 बजे से शुरू हो जाता। इनका मामू है वो, इनकी मुमेरी बहन, वो जो बतकम्मा बाजी है, बतकम्मा नाश्ती से कविता, 1000 करोड़ के दिल्ली लिक्वर स्कैम, शराब के स्कैम में गड्डी भी है। अब सुबह में उसको पकड़ने को आ रहे थे, शाम को इन्होंने चले गए दिल्ली को केसीआर जाके उनके मामू के पैर पकड़ लिए। असदुद्दीन के मामू बड़े मामू पैर पकड़ लिए, नाना, उनके नाना असदुद्दीन के, वहां जाके बोले मेरी बच्ची को बचा लो, जेल में मत डालो, कंप्रोमाइज हो गया। बोले किशन रेड्डी को, पंडित संजय को यहाँ से हटा दो, किशन रेड्डी को भेज दो। पंडित संजय चले गया, किशन रेड्डी आ गया, कंप्रोमाइज सेट हो गया। बोले मैं आपका आदमी हूँ, उन्हें बोलो आपका आदमी हूँ, 10 साल पार्लियामेंट में आकर साथ दिया, हर बिल में साथ दिया। बोले हाउ दिए, मेरी बच्ची को बचा लो। बोले जाओ बचा लिए तुम्हारी बच्ची को। इन्हों आके भांजे को बुलाए, भांजे को बुला के बोले चपके भांजे इधर आओ। इन आखा बंद करके पहुंचे, बोलो साहब। बोले देखो हम पर कंप्रोमाइज हो गया, तुम्हारा भाई जेल को जा रहा था अकबरुद्दीन अवैसी, 10 साल की जेल थी, जो भगवानों को गालियां दिया केस में, भगवानों को गालियां दिया था ना हिंदुओं के, 10 साल की सजा होने वाली थी, उसमें केसीआर अमित शाह को बोला कि अकबरुद्दीन अवैसी को बचा लो, उन लोगों ने दिल्ली से बचा लिया, केस में बरी करा दिया, अकबरुद्दीन अवैसी बरी हो गया। ये आप लोग समझो, ये तमाम चीजों को मैं जो बता रहा हूँ, ये सीक्वेंस को समझना कि अकबरुद्दीन अवैसी जेल क्यों नहीं गया। हेट स्पीच में 10 साल की सजा होना, उसकी ऐवान असेंबली की रुकनियत खत्म होना, इतने भगवानों को बुरे गालियां देने के बाद, बुरा बोलने के बाद वो बरी हो गया। बगैर बीजेपी के ये काम नहीं होता, बगैर सेंट्रल के काम नहीं होता, बगैर स्टेट के ये काम नहीं होता। ये लोग सब मिले हुए हैं आपस में, मिलके हमको बेखूब बनाते हैं, आके हमको बीजेपी का डर दिखाते हैं, बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी तो सेंटर में आके 10 साल हो गया, क्या मोदी उखाड़ लेगा हमारा, क्या अमित शाह उखाड़ लेगा हमारा, बोलो? अरे हमारे कने है क्या जो लेंगे,
लंगे के भाई चंगे आ जाओ, सब आते मैदान में आ जाओ, बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद हिंदू वाहिनी जो लड़ना है आ जाओ, हम तो हमेशा तैयार है। ही नहीं हमारे घर कुछ भी दौलत है, प्रॉपर्टी है, वसीयत करना है, कुछ भी नहीं है। आधी रात को 2 बजे रात को आवाज दो, हम लोग तैयार है, आ जाओ बोलो, हम आ जाते निकल के। हमको डराने से क्या फायदा, डरा डरा कि आपका वोट लेते हैं, मलकपेट में भी अब ड्रामा कर रहे हैं ये हमारे झगड़े में बीजेपी आ जाएगी, नहीं आएगी। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, 3 उम्मीदवारों का इस वक्त नाम आज रनिंग में आ गया, रनिंग में। एक एमबीटी अमजदुल्ला खान याकूतपुरा आ गया, लाइन में आ गया घोड़ा। दूसरा फिरोज खान नामपल्ली, तीसरा शेख अकबर मलक। ये 3 सीट आज मजलिस के खिलाफ आज ऊपर आ रहे हैं और बैठ के लोगों गौर कर रहे हैं, ये 3 हलकों में क्या करना। अरे इनको बहुत हौला समझे थे, दीवाना, कहाँ से आ गया गांव से बोल के, ये तो बहुत होशियार निकला भाई, गली गली घुस गया, क्या करना। मुला अल्लाह सदर साहब से पूछ रहे, साहब क्या करेंगे, बोले कुछ भी नहीं कर सकते, पब्लिक पीछे पीछे चल रही इनके। शरीफ आदमी है, डोर टू डोर जा रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, मैं भी गया कंपेन में, नॉन मुस्लिम एरिया में देखा, औरतें बच्चे ऊपर से नमस्ते कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं हम आपको वोट देंगे। ये इलाका पहले कांग्रेस का था, यहाँ पे हमेशा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस की थी, तो यमयम की नहीं थी। लोग गलती से ये यमयम को वोट देके लेके आ ली, इनके जज्बाती तकारीर में। ये अब फिर वापिस जाएगी इंशाल्लाह कांग्रेस को 30 सितंबर के बाद जब रिजल्ट आएगा। मेरे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह शेख अकबर को भारी अक्सरियत से कामयाब करिए, हाथ के निशान पे वोट दीजिए, और ये हाथ से वो पतंग को पकड़ के खींच के फाड़ दीजिए। खुदा हाफिज़।